देश के एलोपैथी डॉक्टर्स का ग्रुप आईएमए ने पीएम नरेंद्र मोदी से योग गुरु बाबा रामदेव पर देशद्रोह यानी सेडिशन का केस करने की मांग करती है। लेकिन क्यों? कुछ दिनों से डॉक्टर्स रामदेव के खिलाफ लामबंद हैं और उनके खिलाफ 1,000 करोड़ के मानहानि का केस ठोक दिया है। आइए जानते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद की नूरा कुश्ती क्या है आसान भाषा में। आईएमए का कहना है कि बाबा ने टीकाकरण को लेकर गलत सूचना फैलाई है, उन्होंने डॉक्टरों की मौत पर मजाक उड़ाया है। 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। इसके पहले 22 मई को रामदेव ने एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस बता दिया था। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए। रामदेव ने कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे दवाइयों और उनके प्रयोग पर भी सवाल उठाए थे, और वो भी तब जब उनके साथी और पतंजलि के सह मालिक बालकृष्ण कोरोना से संक्रमित हुए तो उनका इलाज भी एलोपैथिक दवाइयों के जरिए हुआ था। ऐसे में आईएमए भड़क गया और बाबा ने अगले ही दिन सुबह अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन शाम तक बाबा एक लिस्ट लेकर सोशल मीडिया पर पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टरों से सवाल खड़े कर दिए कि क्या आपके पास डायबिटीज की दवा है, मसूड़ों के दर्द की दवा है, ऐसे तमाम 25 बीमारियों के बाबा ने नाम गिना दिए। वैसे पहली बार नहीं है जब बाबा ने एलोपैथी डॉक्टरों को घेरा है। जब बाबा ने अपना चमत्कारी कोरोनिल दवा लॉन्च की थी तब उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री के सामने डॉक्टर्स को हत्यारा कह दिया था। इस बार बाबा लंबे घिरते दिखाई दे रहे हैं। आईएमए ने बाबा पर एलोपैथी इलाज के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाकर उन पर केस चलाने की मांग की है। साथ ही योग गुरु से अगले 15 दिनों में विवादित बयान को लेकर वीडियो जारी करने और लिखित तौर पर माफी की मांग की है, नहीं तो वो उन पर 1,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की डिमांड करेंगे। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।